सुहागिन महिलाओं को मांग भरते समय कुछ मुख्य बिंदु पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही आजकल के फैशनेबल जमाने में औरतें टीका या एक लंबी लकीर खींच लेती हैं, लेकिन पुराने समय में महिलाएं पूरी मांग में अपना सिंदूर भरती थी, क्योंकि मांग में सिंदूर भरने से पति की दीर्घ आयु होती है, यह शास्त्रों में भी बताया गया है। लेकिन आजकल के जमाने में महिलाएं इन बातों पर ध्यान नहीं देती। जानिए ज्योतिष आचार्य से इस बारे में सब कुछ। पति की दीर्घायु के लिए स्त्रियां मांग भरती हैं, मांग में सिंदूर भरती हैं, और ऐसा करने से स्त्रियों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति की दीर्घायु होती है। हमारे वेदों में भी सुमंगलीय या सिंदूर दान का विधान है, उसके लिए एक मंत्र आया है, सुमंगलीयम् वधूर्मा गुं समेत पश्यत् सौभाग्यमस्यै दत्त्वा यथास्ताम् विपरेतन्। अर्थात सिंदूर लगाने से मस्तिष्क पर जो महिलाएं सिंदूर को धारण करती हैं उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। लेकिन आधुनिकता के चलते आजकल महिलाएं इस परंपरा की अनदेखी कर रही हैं। लेकिन हिंदू धर्म की सुहागनों के लिए यह महत्वपूर्ण है और 16 जो श्रृंगार है उसमें यह सिंदूर अपना स्थान रखता है। आजकल महिलाएं नाम मात्र का सिंदूर लगाती हैं और फैशन की दौड़ इस प्रकार चल रही है कि वे कभी लगाती हैं कभी नहीं लगाती हैं। सिंदूर लगाती हैं तो बालों में उनको छुपा लेती हैं, कभी रेडीमेड जो कलर इत्यादि आते हैं, केमिकल कलर आते हैं, उनसे भी मांग भरती हैं। यह सब कुछ अनुचित है। महिलाओं को सिंदूर के साथ ही मांग भरना चाहिए, और यदि वे ऐसा नहीं करती हैं तो उनके जीवन में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में संकट कष्ट आता है, सुख सौभाग्य में कमी होती है और पति की आयु और पति के सामाजिक मान सम्मान में भी कमी होती है। एक बार सीता जी अपनी मांग भर रही थी तो उसी बीच में हनुमान जी आ गए, तो हनुमान जी ने पूछा कि माता जी आप यह क्या कर रही हैं? तब सीता जी ने उत्तर में कहा कि मांग भरने से हमारे जो प्रभु श्री राम हैं उनको दीर्घायु की प्राप्ति होगी। तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। तो हनुमान जी ने कहा कि थोड़े से हिस्से में मांग भरने से सिंदूर लगाने से क्या फायदा, मैं तो अपने प्रभु राम की दीर्घायु की कामना के लिए पूरे शरीर में ही सिंदूर धारण कर लेता हूँ। तो इसलिए भगवान हनुमान जी महाराज ने पूरे शरीर में सिंदूर धारण किया था। इसलिए स्त्रियों को पूरी मांग निकाल करके सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूरम उत्तमम श्रेष्ठम सिंदूर सिरवंदितम सिंदूरम धनवती कन्या कल्याणदायिका। जो स्त्री मांग में सिंदूर लगाती है उसको सिर में धारण करती है धनवती होती है, पुत्रवती होती है, सौभाग्यवती होती है, कल्याण देने वाली होती है। ऐसा सिंदूर लगाने का हमारे पुराणों में भी महत्व बताया गया।